आप ये तलाक 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 को देख करके सोच रहे होंगे कि मैडम शायद कुछ कम अपडेटेड है, ये तो ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है, फिर भी मैडम ये तलाक 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 लोग को लेकर के आ गई है और यहाँ पर वीडियो बनाने, इसको वीडियो में समझाने आ गई है। तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि मैं सिर्फ ट्रिपल तलाक को यहाँ पर बताने नहीं आई हूँ। बेसिकली आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि मॉमडर्न कम्युनिटी के अकॉर्डिंग यानी कि मॉमडर्न लॉ के अकॉर्डिंग तलाक कितने तरीके का होता है और अभी तक किस तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है और कब डिक्लेयर किया गया था। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और मेरा नाम तो आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जांगिड। मैं अपना इंट्रो देना कई बार भूल जाती हूँ, लेकिन प्लीज आप लोग मेरे को याद रखना क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आती हूँ आपके लिए, तो नाम याद करना तो बनता है। तो चलिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारे इंडिया में हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख, ईसाई, सभी सभी धर्मों में तलाक से रिलेटेड हो या फिर किसी मैरिज से रिलेटेड हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, उसके लिए हमारे कानून में अलग अलग कानून बने हुए हैं धर्मों के आधार पर। ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम में भी मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर तलाक से रिलेटेड अलग से लॉ बना हुआ है, जिसके अंतर्गत मुस्लिमों में तलाक जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तलाक सबसे पहले तलाक ए सुन्नत होता है और सेकंड होता है तलाक ए बिद्दत। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम यार ट्रिपल तलाक कहाँ है, ट्रिपल तलाक भी तो इसी का टाइप है, कहाँ है वो? तो तलाक ए बिद्दत को ही हम क्या कहते हैं, ट्रिपल तलाक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जरा कंफ्यूज मत होना, तलाक ए बिद्दत को ही हम ट्रिपल तलाक कहते हैं और इसे ही हम इंस्टेंट तलाक भी कहते हैं। इंस्टेंट तलाक तो आप खुद ही समझ गए होंगे, फटाफट बस तलाक 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 बोल करके काम खत्म कर दिया जाता है। फिर चाहे व्हाट्सएप पर तलाक ले लो या फिर फोन पर तलाक ले लो या चिट्ठी से तलाक ले लो या ईमेल से तलाक ले लो, पता नहीं नए नए तरीकों से तलाक दिया जा रहा था। इसी वजह से यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने 2016 में ये मुद्दा आया कि यार ये तलाक को तो लेकर के यहाँ पर एकदम मतलब मजाक ही बना रखा है, तो इसको जरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। किस केस से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, कब किया गया था, इसके जस्ट नेक्स्ट बाद में मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी, उसमें जाकर के आप देखना। छोटे छोटे वीडियोस के मैं बना रही हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स बना रही हूँ ताकि आपको भी ज्यादा बर्डन ना लगे कि बहुत लॉन्ग वीडियो है और देखने में भी आपको ऐसा ना लगे कि यार इतने बड़े बड़े लॉन्ग वीडियो कौन देखता है, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बता रही हूँ। तलाक ए बिद्दत, इसी को ही ट्रिपल तलाक कहते हैं और इसे 2017 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, इसे खत्म कर दिया गया। सेकेंड है तलाक ए सुन्नत। तलाक ए सुन्नत में दो तरीके से होते हैं, तलाक ए हसन, तलाक ए अहसन। ध्यान से पढ़ना, तलाक ए सुन्नत में होता है तलाक ए हसन है ये, और ये तलाक ए अहसन है। यहाँ पर अ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर अ नहीं है, तो सिर्फ ये तलाक ए हसन और तलाक ए अहसन। अब इन दोनों में डिफरेंस पता क्या है, इन दोनों में डिफरेंस में सबसे पहले अपन तलाक ए हसन को पढ़ते हैं। तलाक ए हसन का मतलब होता है कि 30 दिनों का इसमें ड्यूरेशन होता है। इसमें भी तीन बार तलाक बोला जाता है, पहली बार तलाक बोला गया 30 दिन का इंतजार करेंगे, दूसरी बार तलाक बोलेंगे फिर से 30 दिन का इंतजार करेंगे, तीसरी बार तलाक बोलेंगे और 30 दिन के इंतजार के बाद में यहाँ पर पति और पत्नी अलग हो जाते हैं, उनका तलाक हो जाता है। अब पहली बार जब तलाक बोला जाता है और 30 दिन का जब वेटिंग पीरियड होता है, 30 दिन का जब इंतजार किया जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, पति और पत्नी एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हैं और सुलह की कोशिश करते हैं। यदि पति और पत्नी की अनबन सही हो जाती है और यदि यहाँ पर शौहर चाहता है कि मैं अपनी पत्नी को माफ कर दूं और हमारी शादी को मैं फिर से कंटिन्यू करूं, तो यहाँ पर शौहर जो है पत्नी को माफ करके अपने तलाक को रिवोक कर सकता है। तो बेसिकली क्या हुआ, पति को यहाँ पर राइट दे दिए कि यदि तुम चाहते हो 30 दिनों के अंदर सुलह करना तो तुम सुलह कर लो और अपनी पत्नी को अपना लो और साथ में रहने लग जाओ। ठीक है, ये होता है तलाक ए हसन। तलाक ए हसन में मैंने क्या बताया कि 30 दिन की ड्यूरेशन होती है, ये पर्टिकुलर मामला होता है हसन का। तलाक ए अहसन, अब इसमें आ गया अ, इसको थोड़ा सा और डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, एक बार तलाक बोला 90 दिनों का इंतजार किया जाता है, 90 दिन के बाद में फिर से एक बार तलाक बोल करके मतलब तीन बार तलाक बोल करके काम खत्म कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 90 दिनों का इंतजार किया जाता है,
90 दिनों के ड्यूरेशन के दौरान जो पति और पत्नी होते हैं वो दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, और यदि शौहर चाहे उन दोनों में सुलह होती है, उन दोनों में बातचीत हो जाती है, उन दोनों का मामला अच्छे से निपट जाता है, तो यहाँ पर शौहर को राइट होते हैं कि अपनी पत्नी को वो वापस से पत्नी के रूप में स्वीकार करे और वो जो तलाक दे रहा है उसको रिवोक करे। ये मामला होता है अहसन में। हसन में हो गया 30-30 दिनों का ड्यूरेशन, अहसन में हो गया 90 दिनों का ड्यूरेशन। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो तलाक होते हैं दो तरीके से, तलाके बिद्दत, तलाके सुन्नत। तलाके बिद्दत में ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट तलाक, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। कब? 2017 में। किसके द्वारा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सेकेंड है तलाके सुन्नत। तलाके सुन्नत में तलाके हसन और एक तलाके अहसन होता है। अब मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूं और मैं इस खुशी को जाहिर आपके सामने कर रही हूं और आपको एक खुशखबरी देने जा रही हूं। क्या पता कई लोग इस खुशखबरी को बोलेंगे कि यार पता नहीं, ये तो हमारे लिए बड़ी ही दुख की खबर है, लेकिन मेरे लिए ये तो स्पेशली बहुत ही खुशी की खबर है और स्पेशली मुस्लिम लड़कियों के लिए भी यदि वो ऐसा चाहती है तो। अब खुशखबरी क्या है कि जो जिस तरीके से तलाके मतलब ये जो तलाके बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है उसी तरीके से एक PIL लगाई गई है हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। एक नहीं दो नहीं काफी सारी PIL लगाई है। किस लिए? कि तलाके सुन्नत को भी खत्म किया जाए। अब आप लोग का क्वेश्चन भी यही होगा कि मैडम इतना खुश क्यों है। मैं इसलिए खुश हूं क्योंकि स्पेशली मैं एक लड़की हूं और मैं भी ये चाहती हूं कि हमारे देश की महिलाओं को राइट मिले, उनको अधिकार मिले, कि वो भी कुछ जो है यहाँ पर राइट मांग कर सके, कि हमें भी अधिकार है कि हम भी अपने पति को तलाक दे सके, या फिर हमारा जो पति हमसे तलाक मांग रहा है हम उसका अपोज कर सके, हम उसको डिक्लाइन कर सके, या फिर हम उसके अगेंस्ट जा सके। लेकिन अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ में सारे राइट इसको दे दिए, पति को दे दिए। पति यहाँ पर क्या बोल दिया? भाई पति सबसे ऊंचा है, हमारा शौहर सबसे ऊंचा है, शौहर को सारे राइट दे दिए हैं। यहाँ पर पत्नी बेचारी पीड़ित ही पीड़ित है कई सालों से, कई सदियों से मुस्लिम में। तो यहाँ पर इसीलिए मैं खुश हूँ, इसीलिए मैंने बोला गुड न्यूज है कि एक PIL लगाई गई है, बहुत सारी PIL लगाई गई है कि तलाक ए सुन्नत को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। अब मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ पर्सनली कि यहाँ पर तलाक ए सुन्नत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए ताकि लड़कियों को, महिलाओं को और अधिकार मिले। क्योंकि यार 30 दिन, 90 दिन ये कोई टाइम नहीं होता कि तुम अपनी पत्नी को आकर के बोल दो कि भाई मुझे तुमसे तलाक लेना है, और 30 दिन का ड्यूरेशन दे दिया और बस काम खत्म कर दिया। नहीं यार, और इसके लिए पता क्या कोशिश करी जा रही है हमारे सरकार के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ये कोशिश करी जा रही है कि सभी के लिए एक कानून लेकर के आया जाए जिसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। समान नागरिक संहिता कानून आने के बाद में होगा ये कि जो हर एक धर्मों को लेकर के अलग अलग पर्सनल लॉ बने हुए हैं उन सभी को मिलाकर के एक लॉ बनेगा और एक कानून बनेगा। उसके बाद में हम ये कह पाएंगे कि वन नेशन वन लॉ, हमारा इंडिया, हम चाहते हैं कि एक देश और एक कानून के रूप में जाना जाए, और जो हमारे देश में अलग अलग धर्मों को लेकर के अलग अलग कानून बने हुए हैं उन सभी कानून को मिला करके एक कानून बने और बहुत अच्छा कानून बने। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद भी आई होगी, कई लोगों को पसंद नहीं भी आई होगी क्योंकि वो ये सोच रहे होंगे कि यार हमारे तो धर्म में ऐसा दिया हुआ है, इस तरीके से हमारे यहाँ तलाक के ऑलरेडी दिए हुए हैं प्रोविजन, आप इन प्रोविजन के साथ में क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो। तो आप जरा इस मुद्दे को भी देखिए, जब ट्रिपल तलाक को भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के साथ में पीड़ित मतलब महिलाओं के साथ में प्रताड़ना हो रही थी, महिलाएं पीड़ित हो रही थी। तो जहां कहीं पर भी कोई भी, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, यदि पीड़ित होते हैं तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का राइट होता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आकर के उस मुद्दे को सुनती है, वैसे कानून में सुधार करने के लिए अपने विचार रखती है। तो मैं चाहती हूं कि यहां पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विचार रखे और एक PIL लगाई हुई है, इंतजार करते हैं उस PIL का क्या जजमेंट आता है। जजमेंट आने के बाद में डेफिनेटली आप मेरी वकील करो चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो देखोगे।
तो आज का मुद्दा ये था कि जो तलाक 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 है वो तो खत्म हो गया, लेकिन तलाक कितने तरीके के होते हैं मुस्लिम में, मुस्लिम लॉ में, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आ रही हूँ, उसमें ये बताऊंगी कि ट्रिपल तलाक कौन से केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, और यदि नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।